फिल्म की शुरुआत में हम मास्टर वांग फू नाम के एक गार्डियन को देखते हैं जो हमें मिराकुलस जूल्स के बारे में बताता है, जो ऐसे मैजिकल जेम्स थे जिनमें बेशुमार पावर्स होती है, और जिस किसी के पास भी ये मैजिकल जेम्स होते हैं वो इनके पावर्स का इस्तेमाल करने का हकदार बन जाता है। पर इन सब में सबसे खतरनाक बटरफ्लाई मिराकुलस था, क्योंकि इसमें मौजूद डार्क बटरफ्लाईज किसी को भी अपने वश में करके उन्हें ईविल बनाने की ताकत रखते थे, और इस मिराकुलस का गलत हाथों में पड़ना बहुत विनाशकारी हो सकता था। पर साथ ही इन बुराई का सामना करने के लिए दो गार्डियन मिराकुलस भी थे जिनका नाम लेडीबग एंड कैटनोवार मिराकुलस था। पर ये मिराकुलस अपने ओनर को खुद ही चुना करती थी, और अगर वो दोनों गार्डियंस एक साथ मिल जाए तो बुराई का अंत कर सकते थे। इसके बाद हम पेरिस शहर में रहने वाली मैरिनेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके डैड की एक बेकर्स की शॉप थी और उसकी मॉम अपनी क्लोथिंग बुटीक में काम करती थी। मैरिनेट एक इंट्रोवर्ट और शाय लड़की थी जो लोगों के अराउंड ऑकवर्ड हो जाती थी। मैरिनेट जब कॉलेज पहुंचती है तो उससे गलती से एक बहुत ही अमीर और सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की क्लोई का स्वेटर खराब हो जाता है। इससे वो मैरिनेट से गुस्सा होकर उससे इसका बदला लेने वाली होती है, पर तभी वहां आलिया नाम की एक लड़की मैरिनेट को बचाने के लिए अपना कैमरा ओपन कर देती है। कैमरा देखकर क्लोई अपना गुस्सा छुपाते हुए अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और फिलहाल वहां से चली जाती है। मैरिनेट आलिया को उसे बचाने के लिए शुक्रिया करती है, पर कॉलेज में हर काम में मैरिनेट का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहता है, जिस वजह से उसे सबके सामने एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। वही मौके का फायदा उठाकर क्लोई उससे अपना बदला लेने आ जाती है। इसलिए बचने के लिए मैरिनेट लाइब्रेरी में जाकर छुप जाती है। वहां वो एड्रियन नाम के एक लड़के को देखती है जिसे वो पहली ही नजर में पसंद करने लगती है, पर वो उसे देखकर बहुत नर्वस हो जाती है और उसे वहां भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। पर उसकी मदद करने के बाद एड्रियन उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हम एड्रियन के डैड को देखते हैं जो एक बहुत ही सक्सेसफुल और रिच फैशन डिजाइनर थे, पर उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। वो उससे बहुत प्यार करता था इसलिए वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। यही हमें पता चलता है कि उसके पास वो बटरफ्लाई मिराकुलस था जो उसे एक इंसान से मिला थी, और वो मिराकुलस उसके माइंड को करप्ट करते जा रही थी। वो अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसके पास अपने बेटे एड्रियन के लिए कभी भी वक्त ही नहीं होता था। इस वजह से एड्रियन अपने डैड को कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो अक्सर अपनी मॉम को याद करता रहता था क्योंकि उनके डेथ के बाद वो बहुत अकेला पड़ चुका था। इधर हम गैब्रियल को देखते हैं जो उस बटरफ्लाई मिराकुलस से उस महान ताकत की मांग करता है जिससे वो अपनी मरी हुई वाइफ को जीवित कर सके, पर उसमें वास करने वाली एक स्मॉल क्रीचर जिसे क्वामी कहा जाता था वो उसे बताती है कि वो उसकी ये मुराद पूरी नहीं कर सकती। ये ताकत सिर्फ लेडीबग और कैटनोवार गार्डियंस में ही है। इस पर वो उससे पूछता है कि वो मुझे कहां मिलेंगे। तब क्वामी उसे बताती है कि वो सिर्फ तभी आते हैं जब विनाश होता है। ये सुनने के बाद गैब्रियल सोचता है कि अगर सिर्फ विनाश ही एक रास्ता है तो मैं पूरी दुनिया को विनाश की आग में जलाकर राख कर दूंगा। इसके बाद वो उस बटरफ्लाई मिराकुलस को खुद पर लगा लेता है जिससे उसमें मौजूद ढेरों बटरफ्लाई जिसे अकुमा कहते थे वो बाहर निकल आते हैं। वो किसी के भी माइंड को ईविल बना सकते थे। वांगफू को इस बात का एहसास हो जाता है और वो लेडीबग और कैटनोवार मिराकुलस को अपने ओनर चुनने के लिए आजाद करने का फैसला करता है ताकि उनके दोनों गार्डियंस बुराई का सामना करने के लिए तैयार हो सके। पर उसके बॉक्स खोलते ही वो दोनों वहां से अपने ओनर को चुनने के लिए भागने लगते हैं। दूसरी ओर मैरिनेट, जिस दौरान क्लोई से बचकर भाग रही होती है, उसी दौरान वो अपनी जान पर खेलकर वांग फू को उन मिराकुलस को पकड़ने के दौरान उसे खतरे से बचा लेती है। वांग फू ये देखकर बहुत सरप्राइज होता है और उन दो जेम्स में से वो लेडीबग इयररिंग मैरिनेट के बैग में छुप जाती है। वांग फू समझ जाता है कि मैरिनेट ही लेडीबग बनने के लिए चुनी गई है, पर जैसे ही वो वापस से क्लोई को देखती है वहां से भाग जाती है। वो किसी तरह एक स्ट्रीट में छुपकर उससे अपना पीछा छुड़ा लेती है, पर तभी वो वहां से कॉर्नर शॉप में जा पहुंचती है। वहां जब वो उस इयररिंग को देखती है तो बहुत फैसिनेट होती है, पर जैसे ही वो उसे पहनती है उसमें मौजूद क्वामी बाहर निकल आती है। मैरिनेट उसे पहली बार देखते ही बहुत घबराने लगती है, पर क्वामी उसे शांत करती है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो उसे सब कुछ बता देती है और फाइनली उसमें समाकर उसे लेडीबग में ट्रांसफॉर्म कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गैब्रियल द्वारा रिलीज की गई एक अकुमा बटरफ्लाई एक इंसान के अंदर समाकर उसके माइंड को अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद वो एक जायंट क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर वो कैटरिंग एड्रियन को अपने ओनर के रूप में चुनता है। उसे जैसे ही जायंट क्रिएचर के आतंक का पता चलता है वो उसका सामना करने निकल जाता है, पर वही वो पहली बार लेडीबग से मिलता है। वहां वो दोनों हीरोज पहली बार एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होते और उनके भी छोटी बड़ी नोकझोंक होती है। वहां कैटनोवार लेडीबग के सामने इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां वो जायंट क्रिएचर आ जाता है। वहां कैटनोवार को अपनी पावर्स का एक्सपीरियंस ना होने के कारण वो उस मॉन्स्टर के आगे वीक पड़ता है,
इसलिए क्वामी लेडीबग को उसकी मदद करने को कहती है। लेकिन लेडीबग को भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर इस सब के बाद भी वो दोनों हार नहीं मानते। इस दौरान लेडीबग को धीरे धीरे अपनी पावर्स समझ आने लगती है और वो मुसीबत में पड़े कैट नोआर को भी बचा लेती है। आखिर में वो दोनों साथ मिलकर उस मॉन्स्टर का अंत करने में कामयाब रहते हैं, जिसके बाद वो अकुमा उस इंसान के शरीर से बाहर निकल जाती है। पर लेडीबग के उसकी मदद करने के बाद कैट नोआर उसे पसंद करने लगता है। वहां वो दोनों उस अकुमा को देकर सरप्राइज होते हैं कि ये क्या हो सकता है। तब वहां वांग फू आता है जो उन्हें उनकी काबिलियत और मकसद के बारे में बताता है। वो उन्हें कहता है कि लेडीबग के पास किसी भी चीज को अपने माइंड से क्रिएट करने की पावर है, वहीं कैट नोआर के पास डिस्ट्रक्शन की पावर है। वो उन्हें बताता है कि उन दोनों को साथ मिलकर हॉक मॉथ नाम के एक पावरफुल विलन का सामना करना है और वही इन अकुमा को लोगों को ईविल बनाने के लिए रिलीज कर रहा है, इसलिए तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। पर लेडीबग कैट नोआर के नेचर से इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। लेकिन कैट नोआर उसे पसंद करने लगा था और घर पहुंचकर उसके बारे में सोचने लगता है। वो किसी तरह लेडीबग से दोस्ती करना चाहता था। और इधर मैरिनेट आज के हुए भयानक हादसे के बाद बहुत डर चुकी थी, इसलिए वो वापस लेडीबग नहीं बनना चाहती थी। वो क्वामी को किसी और को अपना ओनर चुनने को कहती है, पर हर बार वो किसी तरह उसके पास ही चली आती है। इधर बटरफ्लाई मिराक्युलस की क्वामी गैब्रियल से कहती है कि वो अपनी वाइफ को वापस पाने की चाहत में बुराई को अपनाता जा रहा है। वो इन अकुमा बटरफ्लाई के जरिए लोगों को ईविल बनाकर दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहा है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और खुद को भी इस मिराक्युलस की ताकत से हॉक मौत में बदल लेता है। वो जल्द से जल्द लेडीबग और कैट नोआर से मिलने के लिए दुनिया को विनाश की ओर ले जाना चाहता था, ताकि वो लेडीबग और कैट नोआर से अपनी वाइफ को जीवित करवा सके। वो अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल्स को जेल से आजाद कर देता है, ताकि उन्हें अपने अकुमा से करप्ट करके उनसे हर तरफ तबाही फैला सके। अगले दिन उसके अकुमा से करप्ट हो चुके दो क्रिमिनल्स बैंक में हाइस्ट करने बैंक पहुंच जाते हैं और अपना आतंक फैलाना शुरू कर देते हैं। इधर एड्रियन अपने दोस्त नीनो के साथ मेले में आया होता है, जहां भी वो लेडीबग के ख्यालों में होता है। तभी वहां आलिया और मैरिनेट आ जाते हैं। वहां नीनू और आलिया एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए वो दोनों साथ में रोलर कोस्टर पर जाने का फैसला करते हैं और मैरिनेट और एड्रियन को भी साथ चलने को कहते हैं। पर तभी एड्रियन को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो उसे बाहर खतरा होने के संदेह से घर बुला लेते हैं, इसलिए एड्रियन को वहां से जाना पड़ता है। इधर वो दोनों ईविल क्रिमिनल्स अपनी आतंक को फैलाने के लिए उसी मेले में आ जाते हैं और हर तरफ अपने मैजिक से तबाही मचाने लगते हैं। साथ ही उनके कैओस से वहां का फेरिस व्हील भी बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। मैरिनेट को इसका एहसास होते ही वो लेडीबग में ट्रांसफर हो जाती है, पर वो क्रिमिनल्स एक रबर टॉय को एक जायंट मॉन्स्टर में बदल देते हैं। तभी लेडीबग की मदद के लिए वहां कैट नोआर भी आ जाता है। वहां वो दोनों साथ मिलकर उनका सामना करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अगर वो एक साथ काम करें तो बहुत पावरफुल हो सकते हैं। इसके बाद वो क्रिमिनल्स फेरिस व्हील और रोलर कोस्टर में बैठे लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, जिनमें क्लोई भी मौजूद होती है। पर लेडीबग और कैट नोआर भी उनकी हर चाल को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश करते हैं और लेडीबग रोलर कोस्टर में बैठे सभी को बचा लेती है। इधर फेरिस व्हील में कैट नोआर उस क्रिमिनल का सामना कर रहा होता है, तभी उसकी मदद के लिए लेडीबग भी आ जाती है और वो मिलकर उन्हें उस रबर मॉन्स्टर की ओर फेंक देते हैं, जिसके आखिर में एक नुकीले कॉर्नर से टकराने से वो फट जाता है। इसके बाद वो अकुमाज भी उन दोनों के शरीर से बाहर निकल आते हैं, पर वो लेडीबग और कैट नोआर को धमकी देकर जाते हैं कि अगली बार वो कोई रहम नहीं करेंगे। वहां मौजूद लोग लेडीबग और कैट नोआर के काम से बहुत इंप्रेस होते हैं और वो जल्द ही लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। इस दौरान वो अकुमाज द्वारा अकुमाटाइज्ड किए गए बहुत से मॉन्स्टर्स का भी सामना करते हैं और हर जगह से उसके बुराई को खत्म करने के मिशन में लगे रहते हैं। और उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर गैब्रियल को बहुत जेलसी होती है। समय के साथ लेडीबग और कैट नोआर अपनी पावर को इस्तेमाल करने में माहिर हो जाते हैं और साथ ही इस दौरान वो रियल लाइफ में अपनी असली आइडेंटिटी को सीक्रेट ही रखते हैं। अब तक लेडीबग और कैट नोआर एक दूसरे को पहले से और भी बेहतर समझने लगे थे और लेडीबग का साथ पाकर कैट नोआर भी बहुत खुश था। एक दिन वो मौका पाकर लेडीबग को अपनी मन की बात बता देता है, पर असल में वो एड्रियन को पसंद करती थी और उसे पता नहीं था कि कैट नोआर ही एड्रियन था, इसलिए वो उसे मना कर देती है और अगले दिन हिम्मत करके एड्रियन को प्रपोज कर देती है। पर एड्रियन भी लेडीबग को पसंद करता था, इसलिए मैरिनेट की सच्चाई से अनजान होने के कारण वो उसे मना कर देता है। इधर गैब्रियल लगातार इतने सारे अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद फ्रस्ट्रेट हो चुका था और अब वो फाइनली लेडीबग और कैट नोआर को ही मारकर उनके मिराक्युलस को हासिल करने का फैसला करता है, ताकि वो खुद ही उनके मिराक्युलस की पावर्स को इस्तेमाल करके अपनी वाइफ को रिवाइव कर सके। इसलिए वो अपने तबाही का आतंक शुरू कर देता है। ये देखते ही मैरिनेट लेडीबग में ट्रांसफर होकर उसे रोकने पहुंच जाती है
पर उस दौरान एड्रियन अपने कमरे में सो रहा होता है, इसलिए मैरिनेट के लिए गैब्रियल यानी हॉक मौत के तबाही को रोकना बहुत मुश्किल पड़ता है। पर जैसे ही एड्रियन को इसका पता चलता है, वो वहां पहुंच जाता है। लेडीबग को लगता है कि हॉक मौत बहुत पावरफुल है, वो इतनी आसानी से उसका सामना नहीं कर सकते, पर कैट नोआर जोश में आकर अकेले ही उसका सामना करने के लिए ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है, पर उसका वार हॉक मौत पर बेअसर रहता है और वो ब्रिज टूटने से वहां से नीचे पानी में आ गिरता है। उसे बचाने के लिए लेडीबग उसे पानी से बाहर निकाल लेती है, पर फिलहाल वो होश में नहीं होता। तभी वहां हॉक मौत भी आ जाता है, जो इसके बाद लेडीबग को अपना अगला शिकार बनाता है। वो उसके मिराक्युलस इयररिंग को उससे छीनकर उसे दूर फेंक देता है, जिससे मैरिनेट अपने असली फॉर्म में आ जाती है। लेडीबग के मिराक्युलस को पाकर वो और भी पावरफुल हो जाता है। इसके बाद वो कैट नोआर से भी उसका मिराक्युलस लेने वाला होता है। कैट नोआर को इस हालत में देखकर मैरिनेट मजबूर होती है, पर तब उसे अपनी क्वामी का विजन आता है, जो उसे वापस से हिम्मत करके उठने के लिए मोटिवेट करती है, और तब वो कैट नोआर को हॉक मौत से बचाने की कोशिश करती है। पर मास्क के टूटने के कारण हॉक मौत को कैट नोआर की असली आइडेंटिटी पता चल जाती है। उसे जब पता चलता है कि कैट नोआर उसका बेटा एड्रियन ही है, तो उसे समझ आने लगता है कि उसने ये तबाही शुरू करके कितनी बड़ी गलती की है। इस वजह से जल्द ही वो अपने तबाही को रोक देता है और फाइनली अपने ट्रू नेचर में वापस आ जाता है। एड्रियन ये देखकर बहुत शॉक होता है कि इस शहर को बर्बाद करने वाले उसके डैड ही थे। तब गैब्रियल उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी मॉम को वापस लाने के मकसद में इतना अंधा हो चुका था कि वो सही गलत का फर्क भी भूल गया, पर अब उसे अपने किए का बहुत अफसोस था। इसलिए एड्रियन अपने डैड को संभालते हुए उनसे गले लग जाता है और उन्हें माफ कर देता है। आखिर में मैरिनेट को वापस से अपना मिराक्युलस मिल जाता है। तभी वहां वांग फ्यू भी आ जाता है, जो गार्डियन मिराक्युलस के अपने ओनर्स के सही चुनाव से बहुत खुश था, और लेडीबग गैब्रियल का बटरफ्लाई मिराक्युलस उसे सौंप देती है। इसके बाद वो अपने पावर ऑफ क्रिएशन की एबिलिटी को इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से वो वहां गैब्रियल द्वारा किए गए डिस्ट्रक्शन को पहले जैसा बना देती है। अंत में लेडीबग और कैट नोआर को एक दूसरे की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है, जिसे जानकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फाइनली एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।